दोस्तों अभी हमें नादिया जिले में है और हम लोग वेजिटेबल की फील्ड में, सब्जियों की फील्ड में अलग अलग एरिया में हम लोग रिसर्च का वर्क करते हैं। ये जो पूरा फील्ड आप देख रहे हैं ये पॉइंटेड गार्ड का फार्म है। ये जो है परवल की खेती यहाँ होती है। हमारे साथ में है, सर क्या नाम है आपका? श्रीकांत हल्दर जी हैं जो पॉइंटेड गार्ड की फार्मिंग में एक्सपर्ट हैं, टीचिंग भी बहुत अच्छी है करते हैं। तो सर ये जो परवल की खेती आप लोग करते हैं, कैसे इसके पौधे आप लोग तैयार करते हैं? इसके पौधे तो तैयार करने के लिए हमें कहाँ से कहीं से भी जो प्लांट पौधे है पौधे कलेक्ट करने पड़ते हैं। अच्छा जी। कुछ फार्मर्स है जो इसका सीड बेड्स ऑलरेडी रेडी कर रहते हैं, वहाँ से हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो पौधे ये जब पुराना हो जाएगा और अगर ये मिट्टी में होगा तो ये पौधे फिर से यूज करके हम नई पौधे वहाँ से पा सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो अच्छा तब होगा जब वो मिट्टी में होगा, नॉट ऑन द अपर लेवल बेड्स कटिंग तैयार करते हैं। हाँ। तो वहाँ से हम ये पौधे को 6 inches और 1 foot साइज में उसे काट लेते हैं। काट लेकर वो मिट्टी पहले से बना लेते हैं, वहाँ से कुछ फर्टिलाइजर पहले से हम मिट्टी में मिक्सर कर लेते हैं। उसके बाद जो बेड है, एक लाइन है, लाइन हम खोद लेते हैं, वहाँ पे ये बारीट कर देते हैं, वो मिट्टी वहाँ पे ढाल देते हैं। हाँ, दवा देने के बाद 10 से 12 दिन बाद यहाँ से नया पौधे वो उगल आएगा। अच्छा जी, जब आप लोग परवल की खेती आप लोग जैसे करते हैं, आप लोग जैसे पौधे आपने कटिंग करके तैयार कर लिया, हमने ये सुना था इसके बारे में कि नर मादा मेल फीमेल फ्लावर्स का भी हमें ध्यान देना होता है खेती में, इसके बारे में क्या राय है? हाँ, ये तो एगलिंग फ्लावर है। तो यहाँ पे एक पौधे अगर फीमेल पौधे होगा तो वहाँ पे पड़ियल नहीं उगलेगा, क्योंकि उसके लिए उसको पड़क संघ जो कहते हैं हम, वो करना जरूरी है। और उसके लिए हमें मेल पौधे चाहिए जहाँ से मेल फ्लावर मिल जाएगा। और वो एक बीघा जमीन पे 33 decibels एक बीघा, तो एक बीघा जमीन में हमें 20 से 25 मेल पौधे जरूरी होता है फ्लावर लेने के लिए। अच्छा, इसमें पहचान कैसे होती कौन सा मेल पौधा है कौन सा फीमेल पौधा है, बता पाएंगे आप? हाँ, उसके लिए हमें हम एक फ्लावर देखे तो वो जो फीमेल फ्लावर है वो फीमेल फ्लावर का टॉप ऐसा होता है, वहाँ पे हाँ कुछ स्टिक्स होता है जो यहाँ से स्प्रेडेड होता है, स्टिग्मा है ना? हाँ, स्टिक होता है और ये धूप ज्यादा होने के क्लोज हो जाता है, इसमें स्टिग्मा दिख भी रही है। हाँ, ये हाँ, ए, ए, जो थ्री स्टिक्स है स्टिग्मा। हाँ, स्टिग्मा। और मेल फ्लावर होगा तो वो ऐसा ही होगा, टॉप ऐसा ही होगा, ये फ्लावर ब्लूमिंग हो जाने के बाद भी ऐसा ही होगा। तो इसके बाद आप लोग पराग जो आपका मेल फ्लावर होता है उससे पोलन ग्रेन कैसे इकट्ठा करते हैं, परागकण कैसे इकट्ठा करते हैं? हाँ, पोलन ग्रेन यहाँ से टॉप में होता है। हम ए पार्ट यहाँ से एक फ्लावर को यहाँ से प्लकिंग करके इसका टॉप ले लेते हैं। लेने के बाद यहाँ से थ्रेशिंग किया जाता है। अच्छा, थ्रेशिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इसको हम वाटर से मिला के पानी में मिला लेते हैं, वो जो मिक्सचर बन जाता है। उसके बाद हम ड्रॉपर लेके एक एक बूंद वो फीमेल जो फ्लावर होता है उसका माथे पे देते हैं पराग संयोग के लिए। अच्छा जी। और ये मेल पौधे के जो पराग रेणु है वो अगर सही मात्रा में होगा तो एक ड्रॉप ही काफी है ये फूल को फ्रूट देने के लिए। अच्छा जी। अच्छा, जैसे आप लोग जब पौधे लगा दिए, मेल फीमेल का ध्यान दिए, कितने दिनों में एक परवल का पौधा फल देना शुरू कर देता है, सब्जियां देना शुरू कर देता है? प्लांटिंग से 3 महीने लग जाएंगे। 3 महीने में, 3 महीने में ये पौधे से पड़ियल हम पा सकेंगे, फल पाने फल फ्रूट निकलना शुरू हो जाता है। हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और आप बताइए, जैसे आपने पोलिनेशन का परागण कराया, परागण की पोलिनेशन कितने दिन बाद फल मैच्योर हो जाता है? वो जिस दिन से हम पोलिनेशन कर लेते हैं, परक संयोग करते हैं, उससे उसी दिन से ही स्टार्ट हो जाता है उसका डेवलप होना। और ये 6 से 7 दिन में मैच्योर पड़ियल दे देंगे। और ये परवल लगे हुए। हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये जैसे एक बार आपने फसल लगाई थी, कितने साल की फसल होती है? 2 से 3 साल चल जाएगा। 2 से 3 साल आपका पूरा एरिया जो है। हाँ, हाँ, हाँ। 2 से 3 साल पूरा एरिया चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। तो सर ये हमें बहुत अच्छा लगे, कौन सा गाँव है आपका? राई खास नाम, राई खास है। और जिला आपका कौन? जिला नदिया। ये नदिया जिला है, वेस्ट बंगाल का नदिया जिला, जहाँ हम लोग विजिट कर रहे हैं, यहाँ रिसर्च वर्क कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।